हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। मेरे और आपके सभी के परिवार के ऊपर माता रानी की असीम कृपा हो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2024 में हम नवरात्रि शारदीय नवरात्रि का व्रत पहली बार कर सकते हैं कि नहीं, पहली बार कलश स्थापना कर सकते हैं कि नहीं, अखंड ज्योत जला सकते हैं कि नहीं, और नवरात्रि शुरू होने से पहले कौन कौन सामान की खरीदारी हमें पहले कर लेनी चाहिए, माता रानी को निमंत्रण कैसे देना चाहिए। देखिए, हम अपने घर में भी शादी ब्याह करते हैं तो लोगों को निमंत्रण देते हैं कि हमारे घर आइए, इस तिथि को, इस दिन को ये प्रोग्राम है। उसी प्रकार से अगर हम नवरात्रि भी कर रहे हैं तो हमें माता रानी को बुलावा जरूर भेजना चाहिए, माता रानी को निमंत्रण जरूर देना चाहिए अपने घर आने के लिए। तो इन सारी बातों की जानकारी आगे आपको वीडियो में संपूर्ण मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। आप लोग को मेरी बातें, मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस छोटे से परिवार के साथ जुड़ के बड़ा बनाइए, बड़ी जानकारी आप लोग को मिलेगी। और आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, तो मैं पूरे 24 साल से नवरात्रि करती हूँ और बिल्कुल सरल और आसान तरीके से करती हूँ। माता रानी की कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहती है। आगे की वीडियो में मैं सारी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कलश स्थापना कैसे करें, अखंड ज्योत कैसे जलाएं, पूरे 9 दिन माता रानी की पूजा कैसे करें, जो कलश स्थापना नहीं करते हैं वो पूरे 9 दिन कैसे माता की भक्ति पूजा करें जिससे उनको व्रत करने का पूर्ण फल मिले, तो ये सारी वीडियो आपको आगे मिलेगी। जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, सारी वीडियो बैक टू बैक आपको मिलते रहेगी। इस वीडियो में हम जानते हैं पहली बार हम व्रत कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, अगर श्रद्धा हो मन में करने की तो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और माता रानी का व्रत पूजा सेवा तो ऐसा है कि कभी बेकार नहीं जाता, कभी भी बेकार नहीं जाता। आप इतना करेंगे फल इतना ज्यादा मिलता है उसका। माता रानी भक्तों की छोटी सेवा पे बड़ी फल देती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। तो अगर आपके मन में श्रद्धा है करने की तो जरूर कीजिए। और इस साल दोमास, खरमास, मलमास कुछ भी नहीं है, तो इस साल आप पहली बार व्रत भी उठा सकते हैं नवरात्रि का, माता की अखंड ज्योत भी लगा सकते हैं, ज्वारे भी लगा सकते हैं, हर काम इस साल कर सकते हैं। इस साल दोमास, मलमास, खरमास कुछ भी नहीं है, तो इस साल कोई भी हम नया व्रत त्योहार उठा सकते हैं। मेरे पहले वीडियो को देखकर कुछ लोगों का प्रश्न आया है कि मेरे घर में लोग कहते हैं कि बिना मन्नत के व्रत नहीं करते। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम मन्नत मानकर ही माता की पूजा करेंगे, मन्नत ही माता पूरा करेंगी तभी हम पूजा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन्नत बिना माने भी हम माता की पूजा करते हैं। देखिए, कहते हैं कि माता रानी, भगवान, देव पितर, ये लोग तो सारे अंतर्यामी हैं, इनसे हमारे कष्ट, हमारे घर की कमी क्या छुपी हुई है, यही लोग तो देते हैं हमें, और हम इनसे मांगेंगे तभी देंगे। हम व्रत पूजा सेवा करेंगे, हमें उसका फल जरूर मिलेगा। इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम कोई मन्नत मानेंगे, माता पूरा करेंगे तभी हम व्रत करेंगे। जिस तरह से आपको कलश स्थापना करने की, जवाड़े लगाने की, अखंड ज्योत जलाने की, जिस प्रकार से मन में श्रद्धा है ना, उस प्रकार से आप व्रत कीजिए। अगर ये सब करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो प्रतिदिन सुबह शाम माता का पूजा कीजिए और शुद्ध शाकाहारी भोजन, इससे भी आपको व्रत का फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि व्रत रखने से ही माता प्रसन्न होती हैं, उनकी सेवा पूजा भक्ति करने से भी माता प्रसन्न होती हैं। तो आप लोग इस प्रकार से भी व्रत कर सकते हैं। और कुछ लोगों का प्रश्न है मासिक धर्म को लेकर, तो मासिक धर्म में हम कलश स्थापना नहीं करते हैं। देखिए, कहते हैं 7 दिन पर देव की पूजा किया जाता है, 5 दिन पर देवियों की, लेकिन अगर आपको कलश स्थापना 3 अक्टूबर प्रतिपदा को 5 दिन हो गया है तो आप कलश स्थापना जरूर कीजिए। लेकिन उसके साथ हम गणेश जी का स्थापना करते हैं, वो आप घर के किसी और लोगों से करवाइए, आप गणेश जी को 7 दिन से पहले नहीं छू सकती। बाकी माता को आप छू सकती हैं, माता का पूजा पाठ सेवा कर सकती हैं। तो आगे आप लोग को मासिक धर्म के लिए भी मैं वीडियो कंप्लीट डाल दूंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मासिक धर्म वाले को उससे मदद मिल जाएगा। अब हम जानते हैं माता जी को निमंत्रण कैसे दिया जाता है। देखिए, 3 अक्टूबर को प्रतिपदा को हम कलश स्थापना करेंगे, उससे पहले 2 अक्टूबर को अमावस्या है, अमावस्या के दिन हम माता रानी को निमंत्रण देते हैं।
अमावस्या तिथि को शाम के समय आप जब जोत जलाइएगा, संध्या आरती कीजिएगा, उस समय हाथ जोड़ के माता रानी से विनती कीजिएगा कि हे माँ, कल प्रतिपदा है, कल कलश स्थापना है, कल घर घर लोग आपको बुलावा भेज रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, मैं भी बहुत शौक से, बहुत श्रद्धा से आपको बुलाना चाहती हूँ, आपकी भक्ति पूजा सेवा करना चाहती हूँ, आप इस भक्त इस बालक के घर जरूर पधारे माँ, मेरी भक्ति मेरी पूजा जरूर स्वीकार करें। ये सब बोलते हुए माता को चरण छुए, उनको प्रणाम करें और जल का छींटा देकर, मतलब कि आपने उनको बुलावा दे दिया, जल की छींटा देकर माता को निमंत्रण भेजें कि हे माँ, कल आप मेरे घर जरूर आए। प्रतिपदा को सुबह आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के पूरे घर की सफाई करनी है। सफाई करने के बाद एक लोटे में जल डालकर, गंगा जल उसमें मिक्स करके पूरे घर में सीढ़ी से हर जगह छिड़काव करनी है, जिससे आपके घर की शुद्धिकरण हो जाएगी। उसके बाद आप माता को आवाहना कीजिए, उनको बुलाइए, हे माँ, मैं अपने घर आपको बुला रही हूँ, आपके इंतजार में मैं पूरे घर को सजाई हूँ, पूरे घर को साफ सुथरा की हूँ, जरूर आइए माँ, मेरी पूजा भक्ति सेवा जरूर स्वीकार कीजिए। इस तरह हम माता रानी को बुलाते हैं, उसके बाद हम चौकी लगाते हैं, उसके बाद हम पूजा की काम शुरू करते हैं, इतना कुछ करने के बाद। तो इस तरह हम माता की बुलावा भेजते हैं। अब हम जानते हैं तीन सामान, तीन वस्तु जो कि हमें पहले ही खरीद लेनी चाहिए। अगर आप सूट पहनकर करना चाहती हैं तो लाल पीला वस्त्र अपने लिए ले लें, साड़ी पहन के करना चाहती हैं तो लाल पीले हरे में चुंदरी प्रिंट की साड़ी ले ले, माता बहुत प्रसन्न होती है। और आगे मैं वीडियो डाल दूंगी, 9 दिन 9 रंग की साड़ी सूट भी हम पहन कर कर सकते हैं पूजा माता की। 9 दिन की हम भोग क्या लगाएं दोनों समय, संध्या और सुबह में, कि माँ प्रसन्न हो। ये साड़ी वीडियो मैं आगे आप लोग के लिए शेयर करूंगी। इस वीडियो में तीन वस्तु बता रही हूँ, अपने लिए चुंदरी प्रिंट की साड़ी या सूट ले ले आपको नवरात्रि करनी है तो। और दूसरी वस्तु गंगाजल, गंगाजल आप नवरात्रि से पहले ही ले ले, क्योंकि अमावस्या के दिन भी आप पूरे घर की सफाई कीजिएगा, पितृ पक्ष खत्म होने के बाद उस दिन भी आपको गंगाजल पूरे घर में छींटना है। और प्रतिपदा 3 अक्टूबर को भी गंगाजल का छिड़काव पूरे घर में करके घर का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि पितृ पक्ष के बाद हम अपने घर का शुद्धिकरण करते हैं, तभी हम माता की पूजा शुरू करते हैं। तीसरी वस्तु है आपके घर का राशन। देखिए नवरात्रि शुरू होने के बाद राशन लेना अच्छा नहीं है। कहा जाता है कि माता आई हैं तो आपके घर में हर चीज क्या कम पड़ रहा है, नहीं, माता के आने से पहले आपके घर में जो भी चावल आटा चीनी, जैसे आप मंथली साप्ताहिक राशन अगर लेती हैं तो आप अमावस्या को ही ले ले, अमावस्या से पहले भी ले सकती हैं, मतलब कि नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर में राशन जरूर भर दें। तो ये तीन वस्तु मैं आपको बताई, अपने लिए चुंदरी प्रिंट की सूट ले ले, साड़ी ले ले, कोई भी चीज ले ले, लेकिन ले ले। देखिए हमारे पास माता अगर दी है सब कुछ, हम सक्षम है तो हमें नए वस्त्र से ही करना चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं है, धुली हुई सूट साड़ी से भी आप कर सकती हैं। दूसरी वस्तु गंगा जल जरूर ले ले। और तीसरी है हमारे घर की राशन, जो कि माता के आने से पहले हमारे घर में भरा होना चाहिए। माता इसे बहुत प्रसन्न होती हैं कि हमारे आने की खुशी में ये सब तैयारी करके रखा है। तो ये तीन वस्तु बहुत इम्पोर्टेंट थी, वीडियो मैं आप लोग को बहुत पहले दे रही हूँ, इसीलिए कि आप ये तैयारी आप अपने लिए पहले से कर लें। आगे की वीडियो में मैं नवरात्रि की संपूर्ण पूजा शेयर करूंगी, मैं 24 साल से किस प्रकार से नवरात्रि करती हूँ। इसके लिए आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे, आपकी एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलता है, तो लाइक जरूर करें और आगे भी लोगों के पास शेयर करें, सभी को इस वीडियो के द्वारा मदद मिलेगी। इसी प्रकार की माता रानी की भक्ति सेवा पूजा की वीडियो लेकर कल फिर हाजिर रहूंगी। तब तक आप अपने घर में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।